लक्ष्मणगढ़ थाना पुलिस और जिला स्पेशल टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 बदमाशों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक राष्ट्रदीप ने बताया कि अवैध हथियारों की धरपकड़ के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान सूचना मिली कि बगड़ी से रवाना होकर 3 युवक एक स्कूटी पर सवार होकर के लक्ष्मणगढ़ की तरफ आ रहे हैं। इनके पास अवैध हथियार हो सकते हैं, जिस पर टीम ने हेड कांस्टेबल रामदेव सिंह को सूचना दी। पुलिस टीम ने बगड़ी रास्ते पर स्कूटी पर सवार होकर आते हुए 3 लोगों को देखा, जिस पर तीनों बदमाश पुलिस टीम को देखकर के वापस भागने लगे, जिस पर पुलिस टीम ने पीछा कर आरोपियों को पकड़ा। तलाशी के दौरान तीनों आरोपियों के पास से 5 अवैध देशी पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस बरामद किए, जिन्हें जब्त कर लिया गया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पकड़े गए आरोपी कैलाश निवासी अलखपुरा बोगन पर पहले से ही 5 मामले दर्ज हैं। वहीं विनोद निवासी वारिसपुरा जिला झुंझुनू पर 2 मामले दर्ज हैं। तीसरा आरोपी मुजासिम है, जो अलखपुरा बोगन का निवासी है। इस पर कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है कि वे हथियार कहां से लेकर के आए थे और आगे कहां पर सप्लाई करने वाले थे। में अवैध हथियारों के विरुद्ध कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है। हमने पिछले वर्षों की तुलना में लगभग 1.5 गुने से अधिक कार्रवाई इस वर्ष की है अवैध आर्म्स के खिलाफ। उसी क्रम में जिला स्पेशल टीम को एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें कि उन्हें इस बात की जानकारी हुई कि झुंझुनू के कुछ बदमाश विनोद और कैलाश नाम के 2 व्यक्ति हैं, जो इस क्षेत्र में अवैध रूप से हथियारों को ला करके बेचने का कार्य कर रहे हैं। वो कभी यूपी से और कभी एमपी से इस तरह के हथियारों को प्राप्त करके ला रहे हैं। उसी क्रम में उनका पीछा किया गया, उनको फॉलो किया गया और आज उन दोनों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। एक और व्यक्ति उसके साथ में मिला है, मुजासिम नाम का। इन तीनों लोगों को राउंडअप किया गया तो उनके पास से ये 5 हथियार बरामद हुए हैं, 4 कारतूस भी हैं। ये जो 5 हथियार हैं, ये सभी हथियार सामान्य तौर पर जो कट्टे मिलते हैं उससे कहीं ज़्यादा बेहतर तरीके के बने हुए हैं, और जो प्रोफेशनल पिस्टल होती है उस लेवल की पिस्टल्स हैं ये। ये कहाँ से लेकर के आए हैं, कहाँ से इन्होंने प्राप्त किया है, इस बारे में अग्रिम अनुसंधान चल रहा है। उनके गिरफ्तारी की जा करके पीसी ली जाएगी ताकि इस बात की जानकारी एकत्र की जा सके कि इस तरह के अधिक बेहतर तरीके के हथियार कहाँ से ला रहे हैं और आगे किसको बेचने की इनकी तैयारियाँ थी। इसी क्रम में इन तीनों को आज यहाँ पर गिरफ्तार किया गया। कैलाश और विनोद के पहले से आपराधिक रिकॉर्ड है, दोनों ही झुंझुनू में कई मामलों में बंद रहे हैं। जो मुजस्सिम है उसके विरुद्ध अभी तक कोई अपराध कहीं पर भी पंजीकृत नहीं पाया गया है। वो शायद संभवतः नया व्यक्ति इन्होंने अपने साथ में शामिल किया है। इस बात की पूरी संभावना है कि ये जिसको यहाँ पर बेचने की कोशिश कर रहे थे उस व्यक्ति का पता चले, पर उससे ज़्यादा फोकस हम इस बात पर कर रहे हैं कि ये लोग कहाँ से लेकर के, इस तरह के थोड़ा आधुनिक किस्म के वेपन है ये कहाँ से लेकर के आ रहे थे, उस चीज़ को हम फोकस करके पता करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी टीम जो है इस संबंध में दूसरे राज्यों में भी जाएगी, जहाँ पर जाकर के जहाँ ये वेपन बन रहे हैं या जहाँ से ये वेपन लेकर के आ रहे हैं उस पर भी कार्रवाई की जाएगी।